अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नए सिरे से नामकरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। पीएम मोदी ने नेताजी राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनाए जाने वाले नेताजी राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहराया था। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन को आजादी के अमृतकाल के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये द्वीप एक निरंतर प्रेरणा का स्थल बनेगा। आज के इस दिन को आजादी के अमृतकाल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। नेताजी का स्मारक शहीदों और वीर जवानों के नाम पर ये द्वीप हमारे युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चिरंतर प्रेरणा का स्थल बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, देश इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। मोदी ने कहा कि वीर सावरकर और देश के लिए लड़ने वाले अन्य नायकों को अंडमान की इस भूमि में कैद कर लिया गया था। 4 से 5 साल पहले जब मैं पोर्ट ब्लेयर गया था, तब मैंने वहां के 3 मुख्य द्वीपों को भारतीय नाम समर्पित किए थे। मेरा सौभाग्य है कि 4-5 साल पहले जब मैं पोर्ट ब्लेयर गया था, तो वहां मुझे 3 मुख्य आइलैंड्स को भारतीय नाम देने का अवसर मिला था। आज रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बन चुका है, हैवलॉक और नील आइलैंड स्वराज और शहीद आइलैंड्स बन चुके हैं। और इसमें भी दिलचस्प ये कि स्वराज और शहीद नाम तो खुद नेताजी का दिया हुआ था, इस नाम को भी आजादी के बाद महत्व नहीं दिया गया था। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दुर्भाग्य रहा कि सुभाष बाबू को बुलाने का बहुत प्रयास किया गया, मगर कहते हैं कि जो वीर होते हैं वो अपनी स्मृति के लिए किसी के मोहताज नहीं होते, वो स्मृति उनकी वीरता के साथ ही होती है। दुर्भाग्य की बात है, सुभाष बाबू को बुलाने का बहुत प्रयास हुआ, मगर कहते हैं ना जो वीर होते हैं वो अपनी स्मृति के लिए किसी के मोहताज नहीं होते हैं, वो स्मृति उनकी वीरता के साथ ही हो। गृह मंत्री अमित शाह ने परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर संजय कुमार, नायब सूबेदार बाना सिंह और अन्य जवानों के परिजनों का सम्मान किया। कार्यक्रम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। प्रदीप कुमार, टोटल टीवी, दिल्ली।